हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 292 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है, जिसकी एडवर्टीजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है 3 मार्च 2021 को और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 11 मार्च 2021 से इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं और आप 2 अप्रैल 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इन सभी 292 वैकेंसियों को यहां 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में दोस्तों जो पोस्ट दी गई है वो है असिस्टेंट मैनेजर या ऑपरेशन के। यहाँ आपका जो पे स्केल रहेगा वो 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए के बीच में रहेगा। यहाँ कुल 6 वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं। हाँ दोस्तों, 21 से 28 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीई बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में वैकेंसियों की। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की। यहाँ कुल 186 वैकेंसियां हैं। यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका पे स्केल 33,000 रुपए से लेकर 67,300 रुपए के बीच में रहेगा। यहाँ दोस्तों 21 से 28 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ऐसे सभी कैंडिडेट यहां इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी में पोस्ट है वो है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए कुल 52 वैकेंसियां निकाली हैं। यहां कैंडिडेट का जो पे स्केल रहेगा वो 19,500 रुपए से लेकर 39,900 रुपए के बीच में रहेगा। दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे 21 से 28 साल के सभी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल हैं। इन पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की जो तीसरी कैटेगरी है उसमें पोस्ट है मेंटेनर एसएनटी की। कुल 24 वैकेंसियां। यहाँ जो आपका पे स्केल रहेगा वो 19,500 रुपए से लेकर 39,900 रुपए के बीच में रहेगा। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट होंगे वो 21 से 28 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ जो कैंडिडेट इन पोस्ट पे अप्लाई कर रखे हैं उन्होंने 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनर एसएनटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो सबसे लास्ट पोस्ट है वो है मेंटेनर सिविल की। कुल 24 वैकेंसियां। यहाँ जो आपका पे स्केल रहेगा वो 19,500 रुपए से लेकर 39,900 रुपए के बीच में रहेगा। यहाँ 21 से 28 साल के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो फिटर ट्रेड से, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ मेंटेनर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट की उम्र कंसिडर की जाएगी वो 1 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को जो भी कंसर्न उसने डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है उसमें 60% मिनिमम नंबर यहाँ मांगे हुए हैं, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट से यहाँ मिनिमम 50% नंबर मांगे हुए हैं कंसर्न डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में। तो जितने भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को यहाँ मीट करते हैं ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले फेज में कैंडिडेट का रिटन टेस्ट होगा, दूसरे फेज में कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो सबसे पहली कैटेगरी थी स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की जो पोस्ट है उस पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो 3 फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहले फेज में कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, दूसरे फेज में कैंडिडेट का साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और तीसरे फेज में यहाँ कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जितनी भी है मेंटेनर की उन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहले फेज में यहाँ रिटन टेस्ट कैंडिडेट का कराया जाएगा
और दूसरे फेज में दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो है कैंडिडेट्स का कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम होना है उसके एग्जामिनेशन स्कीम की। दोस्तों इन सभी पोस्ट पे जो रिटर्न टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा। यहाँ कैंडिडेट से रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ और जो कंसर्न रेलिवेंट फील्ड की नॉलेज है कैंडिडेट को, उस फील्ड से यहाँ कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टेस्ट जो होगा दोस्तों वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर कैंडिडेट का कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ दोस्तों एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो सबसे पहली पोस्ट थी स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट, उस पोस्ट पे जो है कैंडिडेट से कुल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में बाकी सभी पोस्ट जितनी भी है मेंटेनर की, उन सभी पोस्ट पे यहाँ कैंडिडेट से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस रिटर्न टेस्ट पेपर में। यहाँ दोस्तों इस रिटर्न टेस्ट को करने के लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इस रिटर्न टेस्ट में यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और यहाँ दोस्तों जितने भी कैंडिडेट सक्सेसफुली इस रिटर्न टेस्ट को क्लियर करेंगे उन सब कैंडिडेट्स को यहाँ आगे के फेजेस के लिए बुलाया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों इन्होंने एग्जाम सेंटर की लिस्ट डाली हुई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन्हीं सभी सेंटर पे यहाँ पे जो है रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट पे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ कुछ कैटेगरीज को जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ 590 रूपए फीस पे करनी है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 236 रूपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।